इस्कॉन मंदिर के ठीक सामने दुकान है, हमने गोपी ड्रेस लिया है जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। वृंदावन में जो ड्रेस मिलता है वही टाइप का है, तो हम आप लोगों को घर पे चल के दिखाएंगे। इनके रेट बिल्कुल होलसेल वाले रेट है। अगर आप लोग आना चाहे इस्कॉन मंदिर के ठीक सामने, अगर आप लोग आना चाहे तो ले सकते हैं। इनके यहाँ रेट बहुत कम है। हमने दो सेट लिया है 700 रुपए में, रेडीमेड है, कोई आपको बनवाने की भी ज़रूरत नहीं है। माँ लक्ष्मी वस्त्र लाए, एक 50-50, 100-100 रुपए का एक एक पैकेट प्रसाद है। आप प्रसाद लेके घर में बंटवा सकते हैं, इस तरीके का प्रसाद है। ये इस्कॉन के ही भक्त लोग हैं, वही लोग बनाते हैं। इस टाइप का बैग ले सकते हैं, 100-100, 50-50, 200 रुपए के रेंज में है। बच्चों के लिए ढोलक है, इस तरीके का मूर्ति है। ज्वेलरी मिल जाएगी आपको ड्रेस के साथ, गोपी ड्रेस के साथ पहनने के लिए। कान की बहुत सुंदर है। ये सब गोपी ड्रेस है, ये सब गोपी ड्रेस है। ये देखिए राधा कृष्ण के मूर्ति है, राधे राधे वाले। बच्चों का कपड़े हैं, ये देखिए सब लगे हुए हैं, सब अलग अलग साइज के हैं। टी शर्ट है, सब ऐसे ही होंगे 150-200 रुपए के आसपास, इसी रेंज के ही है। 100-150 रुपए के छोटे बच्चे के टी शर्ट वगैरह मिल जाएंगे। सब ढोलक उलक है छोटे बच्चों के, कीर्तन रखा है, पीतल के सारे पीतल के भगवान जी सब है। एक लोग कतो पड़े हैं, एक लोग 200। पीतल के सब है ये इस्कॉन टेंपल के सब, ये फोटो है। सब अलग अलग रेंज के, 110, 120, 50 इस तरीके के रेंज के हैं। ये मंदिर के ठीक सामने ही दुकानें हैं। ये मूर्ति है, सुंदर सुंदर मूर्ति है, ये देखिए। ये सब अच्छी है, बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं सब इस्कॉन मंदिर की, नरसिंह देव की। देखिए आप, सब 10-10 रुपए की है, बड़ी बड़ी। बांटने अटने के लिए बहुत अच्छा है, बांटने के लिए बहुत अच्छा है। शंख है, शंख बहुत अच्छे अच्छे हैं, शंख है, छाता है। इनके दुकान में बहुत सस्ते हैं। ये सब साड़ियाँ इस्कॉन मंदिर के ठीक सामने ही है। ये सब साड़ियाँ जो है 300, 350, 400, 450 रुपए के रेंज में है। ये देखिए, देखिए माल यहीं पे ही बनता है। देखिए इतने खूबसूरत साड़ियाँ, सब जरी का काम हम है। ये आपको कम रेंज में मिल जाएगा, 350-450। ये देखिए इस टाइप की साड़ियाँ हैं, इस टाइप की साड़ियाँ हैं बंगाली स्टाइल में।
ये 250 रुपये की है, सब कम रेंज में ही है, 200-250 रुपये की रेंज में ही है, 350-400 तक की। ये देखिए राष्ट्रपति, ये मंदिर के ठीक सामने ही है, इस्कॉन मंदिर के ठीक सामने ही है, ये 250-250 रुपये के हैं। और देखिए बिल्कुल एक पर्स में आ जाएगा, इतना हल्का है, बहुत अच्छा है, सुंदर साड़ियाँ हैं। आप आके यहाँ पे ले सकते हैं, ज़्यादा लेंगे तो हो सकता है कुछ कम भी कर दे। हमने और तीर्थ स्थान में देखा, जिस हिसाब से महंगा होता है, हम इस्कॉन के सामने देख रहे हैं, बहुत ही सस्ता है, कोई महंगा नहीं है। ये है पीतल के हैं बर्तन, हैं तांबे के बर्तन हैं, इस तरीके से ठाकुर जी के जेवर मिल जाएगा, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर जेवर है, गीता है हिंदी में और सब भाषा में मिल जाएगा, भगवान की छोटी छोटी जेवर है, ज्वेलरी। और ये देखिए ठाकुर जी है, लड्डू गोपाल है, और ये है राधा कृष्ण की, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं, 120, 150, 200, 250 इस रेंज में है, फ्रेम किया हुआ है, तांबे के लोटे हैं, और ये देखिए पीतल के लोटे हैं, पीतल के बॉटल है, सब कुछ मिल जाएगा आपको कम से कम दामों में। ये शाका है, ये जो बंगाली लोग पहनते हैं, शाका है, 200-250-300 के रेंज में है सब। शंख है, ये ढोलक है, देखिए अच्छे हैं सब, कम दामों में मिल जाएगा कुल मिला के। ज्वेलरी भी है, गोपी वाले ड्रेस के साथ पहनने वाले सब ज्वेलरी भी है। आप लोगों को सबको मार्केट घुमा दिया है, मंदिर के अंदर जाने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए जो है अंदर मंदिर के जो मतलब इस्कॉन मंदिर के अंदर राधा कृष्ण जी के हैं वहाँ अलाउ नहीं है, तो आप लोगों को नहीं दिखा पाएंगे। बाकी हमसे जितना हुआ है आप लोगों को दिखाया है, आइएगा कभी कलकत्ते आइएगा, इस्कॉन मंदिर निकल आइएगा, मायापुर का बहुत ही अच्छा बन गया है। हम 3 साल पहले आए थे और आज आए हैं, तो जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान के अंदर काफ़ी बन गया है, काफ़ी अच्छा हो गया है। और आप मार्केट भी कर सकते हैं, मार्केट बहुत ज़्यादा महंगा महंगा नहीं है, जैसे तीर्थ स्थानों में बहुत महंगा होता है, उस तरीके से हम देख रहे हैं ज़्यादा महंगा महंगा नहीं है। इस्कॉन मंदिर के सामने बिना प्याज लहसुन के ये बताशे और मटर चाट वगैरह मिल रहे हैं, आप आराम से खा सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाता है खाने पीने के लिए, हम कलकत्ते में कुछ जल्दी खाते नहीं हैं फल के अलावा। अब यहाँ पे क्या है, प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं है, शुद्ध शाकाहारी है, आप खा सकते हैं। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से रहें, खुश रहें, नमस्ते सबको।